नमस्कार साथियों, मैं सुषमा आपकी दोस्त आज आपका अपने चैनल माय आर्टिस्टिक वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक विशेष रेसिपी, तीन रंग की पूड़ियाँ, तिरंगी पूरी। ये पूड़ियाँ स्वाद और सेहत से जितनी भरपूर हैं, उतनी ही दिखने में खूबसूरत किसी को भी अट्रैक्ट करेगी। बच्चे तो खास तौर पर रंग बिरंगा खाना पसंद नहीं करते, और थाली में जब रंग बिरंगी चीजें हों तो बहुत मजा आता है। इसलिए आइए, इसके लिए हमें तीन तरह का आटा लगाना पड़ेगा। हम सबसे पहले डो बना लेते हैं। ये मैंने 2 कटोरी अपना सादा आटा लिया है, प्लेन आटा गेहूं का। इसमें सिर्फ हल्का सा नमक डाल लेंगे, एक छोटी चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सादे पानी से, सादा नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर पानी है उससे ये आटा लगा लेंगे। आटा ना बहुत सख्त लगाएंगे और ना ही ढीला। ये देखिए हमारा आटा, ऐसे उंगली लगाकर देखिए, ना ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट, मीडियम। जैसा रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसा आटा, ये एक प्लेन आटा हमने लगा लिया। अब इसको साइड पे रख के दूसरा आटा लगाएंगे। ये हमने दूसरा आटा ले लिया, फिर से 1.5 कटोरी आटा लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं। नमक डालने से हमारी रोटी पूरी अच्छी सॉफ्ट भी आती है और खाने में भी स्वाद लगती है। अब इस आटे को मैंने, ये पालक, 1 कटोरी पालक ली, उसको उबाल करके और पीस के रखा है। इस पालक में ही 2-4 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो। अब इस पालक से हम ये आटा अपना बना लेंगे। जितना कोशिश, पहले तो ये पालक से ही माड़ेंगे आटे को, और अगर थोड़ा बहुत जरूरत लगती है तो पानी का इस्तेमाल कर। ये देखिए, ये पालक के साथ हमने आटे को अच्छी तरह से मार लिया। पालक को हम इंग्लिश में स्पिनिच भी कहते हैं। ये एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। पालक के अंदर हमें विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। पालक खाने से देखने की शक्ति बढ़ती है और आंखें चमकदार होती हैं। पालक हमारी स्किन और बालों को चमकदार बनाए रखने में भी मदद करती है। इतनी फायदेमंद सब्जी। और आजकल तो बच्चे, ठंड के का सीजन चल रहा है, पालक की कई रेसिपी बनती, पालक पनीर, पालक के पराठे, ये। मगर एक ही चीज खा करके बच्चे थोड़ा सा ऊब जाते हैं, उनको कुछ नया मिलेगा। देखिए, पालक डालने से हमारा आटा बिल्कुल ग्रीन कलर का आया है। देखिए, आटा एकदम ग्रीन कलर का हो गया है। इसको भी हमने नॉर्मल जैसा रोटी का आटा मारते हैं उसी तरह से मारा है। हाँ, अब इस आटे को भी थोड़ा सा हल्के हथेलियों से मसल मसल कर घूप लेंगे और अलग रख लेंगे। अब हम अपना तीसरा आटा लगाएंगे। ये हमने तीसरा आटा अपना ले लिया, ये भी 1.5 कटोरी आटा है, छान करके मैंने निकाला। और इसमें भी 1 छोटा चम्मच नमक मिक्स करेंगे। और ये है चुकंदर। चुकंदर को हमने छील करके, 2 बड़ी चुकंदर ली हैं, उनको छील कर उबाल लिया है और उसके बाद में इसको पेस लिया है, ऐसा बिल्कुल फाइन पेस्ट सा बना करके। अब इसको भी हम अपने आटे में डाल देंगे। और जैसे पहले पालक के साथ किया था उसी तरह से चुकंदर के साथ हम इस आटे को लगाएंगे। और अगर हमें बाद में थोड़ा सा पानी जरूरत पड़ी, 1/2 टीस्पून, तो यूज कर लेंगे आटे को वो सॉफ्ट, मतलब अपने हाथों से छुटाने के लिए और स्मूथ करने के लिए।
देखिए ये आटा भी सेम एक जैसे एकदम तीनों, ये बिल्कुल लाल रंग का आटा, लग ही नहीं रहा है कि आटा है। एक लाल, दूसरा ये ग्रीन कलर और तीसरा व्हाइट कलर। अब हमें देखना ये है कि इनकी रंग बिरंगी पूरी हम कैसे बेल। अब हम अपने तीनों आटे की एक छोटी, मतलब एकदम छोटी भी नहीं, थोड़ी लोई ले लेंगे और इसको हल्का सा ऐसे लंबा कर लेंगे। ये हो गया हमारा सादा गेहूं का आटा। इसी तरह से एक हमने चुकंदर का आटा ले लिया, इसको भी हमने इसी तरह से करके हल्का लंबा सा शेप, एक बराबर के शेप, ये देखिए। और तीसरा पालक का आटा ले लिया, इसको भी गोल करके, लोइयां जो है तीनों एक बराबर लीजिए, छोटी या बड़ी आप जैसा चाहो अपने मन से कर सकते हैं। और उसको गोल करने के बाद ऐसे लंबा कर लेना है और वो लंबाई भी एक बराबर ही होनी चाहिए। ये देखिए अब इन तीनों को हम एक साथ रखेंगे और हल्के हाथों से पुश करते हुए तीनों लोइयों को एक में मिलाकर लंबा करेंगे। हल्के हाथों से कि ये तीन कलर की लोइयां एक एक लोई बन जाए, बीच से लेंगे। देखिए ग्रीन, रेड और व्हाइट तीनों अलग अलग नजर आ रहा है, इसलिए हाथों पर से अपने दबाव बिल्कुल बराबर से देंगे। और ये हमारी एक लंबी सी तैयार हो। अब इससे हम एक साइड के पीस काट लेंगे। ये देखिए हमने, अब हम अपनी एक एक लोई को उठाएंगे। ये उठाने में वो तीन रंग का अलग से ही दिख रहा है और इसको हल्के हाथों से बिल्कुल राउंड करके दबाकर लोई बना करके रख लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी कुछ लोइयां बना करके रख ली हैं। ये आटा आप लगा के फ्रिज में रख लीजिए, जब भी आपको बनाना हो तो बस तीनों की एक एक लोई निकाली और इस तरह से बर्तन लगा करके हल्के हाथ से जैसे पूड़ियां बेलते हैं बस उसी तरह से छोटी छोटी सी, साइज आपके मन मुताबिक आप रख लीजिए। देखिए हमारी पूड़ियां रंग बिरंगी, कहीं लाल, कहीं हरी, कहीं सफेद नजर आ रही, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और जितनी ये दिखने में अच्छी है उतनी ही स्वाद में भी, क्योंकि इसमें चुकंदर, पालक और गेहूं आटा आटा इन तीनों का अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर भी। कढ़ाई में तेल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, हमारा तेल हो गया है। अब धीरे धीरे से एक एक पूरी इस पे डालेंगे और जैसे हम पूड़ियां सेकते बिल्कुल उसी तरह से हल्के हाथों से दबा करके हम अपनी पूड़ियां सेक लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तीन रंग की रंग बिरंगी पूरी आई। ये देखिए ये फूली फूली गर्मा गर्म, इधर रेड, इधर ग्रीन, इधर हल्का सा, तीन रंग अपने अलग से ही दिख रहे हैं। इन पूड़ियों को देखिए कितनी खूबसूरत। अब आप इनको किसी भी चीज के साथ सर्व करिए, अगर सिंपल घर की सब्जी भी बनाई है और कोई मेहमान आ गया और इस तरह से हमने चुकंदर और पालक है तो पूड़िया बनाकर रख दी तो भी एक अलग ही अनुभव करवाएगा। अब आप जल्दी से ये रेसिपी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो मेरा से चैनल
अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।